गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। और ये देखिए, अभी अभी हम हरिद्वार में एंटर हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी हम पहुंचे हैं हरिद्वार और अब हम आगे स्नान करने के बाद हर की पौड़ी भी आपको दिखाएंगे। हर की पौड़ी की गंगा आरती के लिए हम आए हैं, आपको हम गंगा आरती दिखाएंगे और पूरा घाट दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ की सुंदरता अलग ही है, मतलब एक अलग सा ही फील होता है गंगा घाट पे जाने के बाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, माँ गंगा के चरणों में जाके बहुत सुकून मिलता है। ये यहाँ का रास्ता देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत है। अब ये देखिए, हम आ गए हैं स्नान के बाद गंगा आरती के लिए। ये है मेरे माँ के बिहारी, ये देखिए ये भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की भीड़ देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है फ्रेंड्स, बहुत भीड़ है। पता नहीं दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि गंगा आरती जो है वो बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाली है, तो इसलिए बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। और आज हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स कि हम यहाँ घाट पर गंगा आरती का आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और यहाँ ऐसे ही भीड़ रहती है, मगर यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब हम गंगा आरती के बाद यहाँ से जाएंगे दीपदान करने के लिए, तो आप भी मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। आगे दीपदान भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे घाट पे दीपदान करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं दीपदान की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने किया यहाँ पे दीपदान। जय हो गंगा मैया की। ये देखिए, वो जा रहा है हमारा दीपक गंगा माता में। ये देखिए, ये शाम का नज़ारा है फ्रेंड्स, कितना सुंदर है। ये हर की पौड़ी जहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। और ये हम वापस आ गए हैं अपने धर्मशाला में जहाँ हम रुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है। ये भोलेनाथ और साइड में नंदी हैं, और इनकी लाइटिंग के इफ़ेक्ट की वजह से ये और भी सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं जब भी यहाँ पर रुकी तो मैं यहाँ पर शाम को थोड़ी देर के लिए ज़रूर आती हूँ,